हेलो फ्रेंड्स, अपना घर डिजाइन यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आज का वीडियो में प्लान है 33 फीट 6 इंच इंटू 45 फीट। 2 BHK का प्लान है। इसे आप रेंट पर्पस से भी बना सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा रिकमेंड हुआ प्लान है। ये है मेरे चैनल का नाम जो आप देख रहे हैं, अपना घर डिजाइन। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ फेसिंग प्लान है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। यहाँ से यहाँ तक है 45 फीट और यहाँ से यहाँ तक है 33 फीट 6 इंच। ठीक है दोस्तों, इसमें विथ 2 कार पार्किंग है। इसमें हमें 2 कार पार्किंग बनाया हुआ है। इसमें मतलब 2 कार इसमें आराम से लग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कॉलम पोजीशन। देखिए ध्यान से, कॉलम पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, मार्किंग कर रहे हैं। कॉलम पोजीशन 10 इंच इंटू 10 इंच में देंगे कॉलम पोजीशन। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें ताकि प्लान समझ में आए। देखिए यह है इसका कॉलम पोजीशन। चलिए हो गया कॉलम पोजीशन। अब बात करेंगे साइज। हमने जो वॉल पोजीशन ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये बाहर बाहर है 10 इंच और अंदर अंदर का है 5 इंच। ये फ्रंट में कार पार्किंग रखे हैं। इसकी साइज होगा यहाँ से यहाँ तक 25 फीट 6 इंच इधर से, और इधर मिलेगा यहाँ से यहाँ तक 14 फीट 9 इंच। क्योंकि ये हाउस प्लान रेंट पर्पस से है तो इसमें स्टेयर हमने कार पार्किंग से ही अप किया हुआ है। यहाँ से 3 फीट की चौड़ाई लेंगे ऐसे, फिर यहाँ आकर के ये टर्न लेगा और फिर ये ऐसे, यानी कि ये पूरा अप में चल जाएगा ऊपर, और ऊपर जा कर के ये मूव करेगा इधर और फिर अपने ड्राइंग हॉल के ऊपर में निकल जाएगा। स्टेयर जो लेंगे यहाँ से यहाँ तक 14 फीट, यानी कि ये एक बार में ही ऊपर में निकल जा रहा है। चलिए अब बात करेंगे कार पार्किंग। इसमें 2 कार आराम से आ जाएगा और कार पार्किंग से आगे बढ़ेंगे तो आएंगे ड्राइंग और डाइनिंग हॉल में। साइज मिलेगा आपको यहाँ से यहाँ तक 14 फीट 8 इंच और इधर मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक 13 फीट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो सामने दिख रहा है किचन। एज पर वास्तु हम रखा हुआ किचन, साइज है 8 फीट 9 इंच इधर से और 10 फीट 9 इंच इस साइड से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं बेडरूम का। ये हो गया फर्स्ट बेडरूम, साइज है 12 फीट 9 इंच इधर से और 14 फीट 9 इंच इस साइड से। ये हो गया सेकंड बेडरूम, साइज है 13 फीट इधर से और 12 फीट 9 इंच इस साइड से। ठीक है दोस्तों,
इसके साथ में अटैच लेट बाथ रखे हुए हैं। सब्सक्राइबर को हमारा चाहिए था कि अटैच दोनों रूम के लिए लेट बाथ हो, इस रूम के लिए यहाँ लेट बाथ रखे हैं। साइज है 5 फीट 6 इंच इधर से और 7 फीट 9 इंच इस साइड से, ठीक है। ये हो गया बेडरूम, इसका ये सामने लेट बाथ रखे हैं, इसको इसके साथ अटैच है। इसका साइज है 7 फीट 9 इंच इधर से और इधर है 5 फीट 6 इंच, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, ये जो प्लॉट है तीनों साइड से किसी और का मकान बन चुका है, तो हमने अपना प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 4 फीट का जगह को कट किया हुआ है। अब इसे आप चाहें तो बाउंड्री वाल 5 इंच का वाल करके रख सकते हैं, तो 5 इंच का वाल रखेंगे तो आपको स्पेस मिलेगा यहाँ पर 3 फीट 7 इंच, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अपने एरिया में विंडो वगैरह खोल सकते हैं। अब देखिए, अब इसके लिए हम बात करेंगे अपना जो विंडो होगा कहाँ कहाँ होगा। ड्राइंग और डाइनिंग हॉल के लिए हमने विंडो यहाँ प्रोवाइड किया है जो अपने एरिया में ओपन हो रहा है। किचन के लिए यहाँ पर विंडो प्रोवाइड किए हैं, एक किचन में एक और विंडो देंगे यहाँ पर। ये लेट बाथ के लिए वेंटिलेटर और इस बेडरूम के लिए यहाँ पर विंडो और इस बेडरूम के लिए कार पार्किंग में विंडो। ये लेट बाथ के लिए यहाँ पर वेंटिलेटर यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं अपना डोर पोजीशन। देखिए डोर कहाँ कहाँ हो रहा है, ये हो गया मेन डोर, कार पार्किंग से आएंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हमने छोटा सा एरिया को कट किया हुआ है जो अपना ही एरिया है, यहाँ पर हमने एक सेकेंडरी यानी कि आप इधर से भी अपने कार पार्किंग में आ जाएंगे। ये यहाँ पर एक आप गेट दे देंगे, यहाँ से भी आप कार पार्किंग आएंगे और यहाँ पर अपना शटर वगैरह या इसको ओपन भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये हो गया मेन डोर, यहाँ से आएंगे इस बेडरूम के लिए, यहाँ पे डोर ऐसे खुलेगा, ढंग से बना दिए हैं, यहाँ पे डोर देंगे ऐसे खुलेगा और ये किचन के लिए डोर यहाँ प्रोवाइड करेंगे। लेट बाथ के लिए अटैच जो है रूम से यहाँ पे डोर प्रोवाइड करेंगे और इस लेट बाथ के लिए यहाँ पे डोर प्रोवाइड करेंगे। देखिए आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, हमने इस एरिया में आने के लिए ड्राइंग हॉल से यहाँ पर एक डोर प्रोवाइड किया हुआ है। ड्राइंग और डाइनिंग हॉल से आप इस एरिया में आएंगे और एक डोर यहाँ पर प्रोवाइड किया है हमने जो कि कार पार्किंग से होते हुए, क्योंकि ये तो स्टेयर जब अप कर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से आप इस एरिया में भी आ सकते हैं और इस घर से भी बाहर निकल कर इस कार पार्किंग से बाहर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा प्लान आज का, 33 फीट 6 इंच × 45 फीट में 2 BHK रेंट पर्पस विथ 2 कार पार्किंग, इसमें हमने 2 कार पार्किंग का प्रोविजन किया हुआ है। तो लगभग हमारा प्लान इसमें कंप्लीट हो गया। साइज जो है अपना जो हमने प्रॉपर तरीके से सेट करने की पूरी कोशिश किया है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा, प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों शेयर करें, अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।